हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का फटका डिक्लेरेशन फॉर्म यानी कि केवाईसी फॉर्म ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हो, उसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। आप लोगों को ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने बीओबी वर्ड से या तो फिर नेट बैंकिंग से फटका डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो आज हम आप लोगों को यहाँ पे लाइव फटका डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करके दिखाएंगे, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने भी फटका डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट नहीं किया है तो यार फटका डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको करना है बीओबी वर्ड को ओपन कर लेना है। जैसे आप बीओबी वर्ड को ओपन करोगे, अगर दोस्तों आप लोगों ने अपडेट नहीं किया है यम कनेक्ट प्लस को, तो यम कनेक्ट प्लस को अपडेट कर दीजिए, तो आप लोगों का भी बीओबी वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, तब तक मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आप लोग भी फटका डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट नहीं करोगे तो आप लोगों को भी आगे प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रांजेक्शन वगैरह आप नहीं कर पाओगे। तो यार फटका डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर सबमिट कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना लॉगिन पिन जो होता है, इसका एप्लीकेशन पासवर्ड, वो डाल करके यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। मैं सक्सेसफुली इसमें लॉगिन हो चुका हूँ। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा कॉर्नर में एक एमएस करके ऑप्शन आपके नाम के हिसाब से यहाँ पे शो होगा, तो आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर ही आप देख सकते हो लिखा हुआ केवाईसी डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल। तो कॉन्टेक्ट डिटेल में आप जाकर के ईमेल वगैरह चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको केवाईसी डिटेल पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें फटका डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट करना है, तो केवाईसी डिटेल में जाकर के हम सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे में इनवैलिड पिन नंबर बताया जा रहा है, क्योंकि मेरे में पिन नंबर यहाँ पे लिंक नहीं है, तो आप लोगों को भी पिन नंबर लिंक करा लेना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ फटका डिक्लेरेशन, तो आपको फटका डिक्लेरेशन सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है फटका डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट पर। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप टैक्स कहाँ कहाँ पे करते हो, तो हम यहाँ पे आई एम ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट रेसिडेंट ऑफ अन अदर कंट्री, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे के साइड में स्लाइड करोगे, यहाँ पे आपसे ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल देना है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपका फटका डिक्लेरेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा सक्सेसफुली फटका डिक्लेरेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप यार फटका डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे टेक चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी मैं आप लोगों को टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।